हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम YouTube पर कैसे रील्स को अपलोड कर सकते हैं। तो उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि हम टाइटल कैसे सर्च करेंगे और टैग्स कैसे लगाएंगे अपनी रील में। सबसे पहले मैं आपको अपनी रील दिखा देती हूँ जिसे करना है मैंने YouTube पर अपलोड। गूगल के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिन्हें जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। जब अगर आप भी ऐसी रील्स बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसकी जो डेडिकेटेड वीडियो है मैं वो अलग से अपलोड कर दूंगी। तो चलिए करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग के कैसे हम रील्स को अपलोड कर सकते हैं। रील्स को अपलोड करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा इस आइकन में और इस आइकन पर करना होगा क्लिक। ठीक है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास टू ऑप्शंस आएंगी। हमें करना है अपलोड वीडियो ऑप्शन को चूज। जैसे ही हम इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो हमारे पास आएगी कुछ ऐसी विंडो जहां हमें करनी होगी अपनी फाइल को सिलेक्ट। आप यहां देख सकते हैं कि जो मैंने अपनी रील का नेम है वो भी क्या दिया है, गूगल इंटरेस्टिंग फैक्ट। ठीक है, मेरी जो रील है वो इसी के रिगार्डिंग है और इसका नेम भी मैंने यही दिया है। ये SEO के पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप अपनी वीडियो की नेमिंग किस तरह कर रहे हैं। जो भी मेरी वीडियो का टाइटल होगा उससे जो मिलता जुलता नाम है वो ही मेरी वीडियो का होगा। ठीक है, और इस वीडियो को करूँगी मैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हमें करना है ओपन बटन पर क्लिक। जैसे ही मैं ओपन बटन पर क्लिक करूँगी ये वीडियो कुछ ही सेकंड्स में मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ आप राइट साइड देख सकते हैं और बाय डिफॉल्ट जो इसका टाइटल है वो बन के आ गया है, लेकिन इसका टाइटल हम अलग से लिखेंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम सर्च करेंगे। ये जो इसका नाम आया है टाइटल, ठीक है, वो हमारी जो भी वीडियो का नाम होगा वही बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। तो चलिए करते हैं हम अपनी वीडियो का टाइटल सर्च। टाइटल को सर्च करने के लिए सबसे पहले तो हमें YouTube में जाना होगा और वहाँ टाइप करना होगा गूगल इंटरेस्टिंग फैक्ट। आप यहाँ देख सकते हैं कि लोग किन किन जो टाइटल्स के थ्रू सर्च कर रहे हैं गूगल के रिगार्डिंग। गूगल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, गूगल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन तेलुगु, तमिल, ठीक है, फन फैक्ट्स ट्रिक्स, ठीक है, अब और भी कई टाइटल्स के थ्रू वो सर्च कर रहे हैं गूगल इंटरेस्टिंग फैक्ट के रिगार्डिंग। तो यहाँ हम जो इसका टाइटल है वो क्या रखेंगे, गूगल इंटरेस्टिंग फैक्ट। इसे मैं करूँगी टाइटल को कॉपी और कॉपी करके इसे मैं अपने टाइटल और इसे मैं टाइटल में ऐड कर दूँगी। यहाँ जो इसका मैं कैपिटल कर देती हूँ फर्स्ट वर्ड को, ठीक है, और यहाँ ही हम इसका एक और पाइप सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, पाइप सिंबल क्यों यूज़ किया जाता है कि फॉर एग्जांपल कई पर्सन क्या गूगल में सर्च करेंगे गूगल इंटरेस्टिंग फैक्ट और कई सर्च कर सकते हैं गूगल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन हिंदी। और अगर जब भी कोई इन दोनों टाइटल्स के थ्रू सर्च करे वीडियो को तो मेरी वीडियो ही उसे दिखाई दे। ठीक है, इस टाइटल के थ्रू मेरी ही वीडियो उन्हें दिखाई दे, तो इसके लिए हम पाइप सिंबल कर सकते हैं कि अगर कोई सर्च करेगा गूगल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तब भी मेरी वीडियो सामने आएगी, अगर कोई सर्च करेगा गूगल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन हिंदी तब भी वो मेरी वीडियो ही दिखाएगा। तो यहाँ हम इसी को करेंगे कॉपी और कॉपी करके पीछे डाल देंगे इन हिंदी। और यहाँ हमारा टाइटल है वो हमने अपनी वीडियो को दे दिया है। उसके बाद हमें डिस्क्रिप्शन देनी है। ठीक है, आप अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स ऐड कर सकते हैं अपने फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, जो जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, और अपनी वीडियो के रिगार्डिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपकी जो वीडियो है किसके रिगार्डिंग है। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ यही डाल देती हूँ कि लर्न अबाउट गूगल इंटरेस्टिंग फैक्ट, लेकिन आप अपनी डिस्क्रिप्शन में जो सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। आप कोई टैग यूज़ नहीं कीजिएगा, आप अपनी डिस्क्रिप्शन में टैग्स नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें अपने सोशल लिंक्स और जो भी वीडियो है वीडियो के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो डाल सकते हैं। ठीक है,
और उसके बाद है नेक्स्ट, हमें थंबनेल अपलोड करना है रील का। अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, अगर नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो कोई भी पिक कर लेगा। मैं अभी फ़िलहाल अपलोड नहीं करना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्शन को के क्या है। यहाँ से हमें इसकी प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करना होगा कि जो हमारी वीडियो है वो किस प्लेलिस्ट में शो हो। तो यहाँ मैंने एक शॉर्ट की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहीं इसे मैं ऐड कर दूंगी। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या ऑप्शन है। शो मोर पर क्लिक करके हम यहाँ टैग्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो मैंने चैनल पर टैग्स सेट किए हुए हैं वही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन्हें मैं कर देती हूँ क्लोज। और इसके वीडियो में टैग्स ऐड करने के लिए आपको जाना होगा रैपिड टैग्स वेबसाइट में। उसमें क्या है कि हमें फ्री में टैग्स मिलते हैं और उन्हें यूज़ करके हम अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हम सर्च करेंगे रैपिड टैग्स वेबसाइट। ठीक है, जैसे ही हम सर्च करेंगे तो हमारे सामने जो रैपिड टैग वेबसाइट है वो ओपन हो गई है, जहाँ हमें क्लिक करना होगा यूज़ टूल्स फॉर फ्री, और यहाँ हमें टाइटल देना होगा जो भी हमारी वीडियो का टाइटल है। मैं दे देती हूँ यहाँ गूगल इंटरेस्टिंग फैक्ट, और यहाँ सर्च के बटन पर करना है क्लिक। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल जो टैग्स हैं वो सामने आ गए हैं। इनमें जो टैग्स आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल मेरे को ये टैग नहीं चाहिए तो मैं इसे कर दूँगी क्रॉस। ठीक है, मेरी वीडियो तेलुगु में नहीं है तो इसे भी मैं कर दूँगी क्रॉस। और ये जो बाकी टैग्स है आई थिंक ये ठीक है मेरी वीडियो के लिए। ठीक है, इसे मैं करूँगी कॉपी और यहाँ आकर अपनी वीडियो में क्या कर दूँगी पेस्ट। यहाँ मेरे टैग्स हैं जो वो भी लग गए हैं, और उसके बाद मैं क्लिक करूँगी नेक्स्ट बटन पर। यहाँ मुझे कोई जो वीडियो एलिमेंट्स नहीं ऐड करने हैं, चेक्स नहीं ऐड करने हैं, तो मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूँगी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं है, ये यहाँ क्लिक लगा हुआ है। इसका मीनिंग यही है कि हमारी वेबसाइट जो भी मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें कॉपीराइट कोई इशू नहीं है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट बटन पर फिर से करेंगे क्लिक। यहाँ हमें सेलेक्ट करना होगा कि जो वीडियो हम प्राइवेट रखना चाहते हैं उसे अनलिस्टेड करना चाहते हैं या पब्लिक। ठीक है, जो वीडियो मैं पब्लिक अपलोड करना चाहती हूँ तो मैं पब्लिक बटन पर करूँगी क्लिक, और यहाँ पब्लिश पर कर दूँगी फिर से क्लिक। जैसे ही आप पब्लिश बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो वीडियो है वो अपलोड हो गई है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद जो आपका काम है इसे आप शेयर भी कर सकते हैं मल्टीपल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, कि इसमें जो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हैं। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, जो आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं।